टीवी इंडस्ट्री में बहुत सारे सीरियल्स टेलीकास्ट होते हैं चैनल्स पे, डिफरेंट और अलग अलग करेक्टर्स शोज किए जाते हैं जिनके लोग दीवाने हो जाते हैं और अपना फेवरेट सीरियल और उसमें से अपना फेवरेट करेक्टर चूज कर लेते हैं जिन्हें कॉपी करना या यूं कहें कि उनके लुक को बेहद पसंद करते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो नागिन 3 और बेपनाह के बारे में, उनके दो बेस्ट करेक्टर्स के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं बेपनाह सीरियल के बारे में। तो आपको बता दें कि बेपनाह सीरियल में जेनिफर विंगेट यानी कि आपकी जोया, जो अपने लुक की वजह से काफी ज्यादा सुर्खियों में है। जी हाँ, उनकी एक्टिंग के तो हर कोई दीवाने हैं ही, साथ ही साथ वो अपने ड्रेसिंग की वजह से और अपने अलग अलग लुक की वजह से काफी ज्यादा जानी जाती हैं। आपको बता दें कि नागिन 3 में सुरभि यानी कि कहें आपकी बेला, वो भी अपने लुक की वजह से काफी ज्यादा फेमस हो रही हैं और सुर्खियां बटोर रही हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं जेनिफर की, तो आपको बता दें कि जेनिफर अभी से ही नहीं बल्कि काफी लंबे अरसे से टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, कसौटी जिंदगी कह लें या फिर शाका लगा बूम बूम कह लें या फिर दिल मिल गए कह लें या फिर हम कह लें बेहद, ढेर सारे सीरियल करे हैं जेनिफर विंगेट ने और अपनी एक्टिंग की वजह से आज भी वो उतनी ही ज्यादा जानी जाती हैं जितनी कि वो पहले जानी जाती थी। अपने अलग अनुभव और अपनी अलग एक्टिंग की वजह से लोग उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं और उनकी हर एक्टिंग स्किल को और कहें उनके हर अलग लुक को काफी ज्यादा सराहते हैं। वहीं अगर हम बात करें नागिन 3 की बेला की यानी कि सुरभि ज्योति की, तो उनका लुक भी काफी ज्यादा अलग है और डिफरेंट है। उनकी अलग एक्टिंग स्किल को देखते हुए लोग काफी ज्यादा उन्हें सराह रहे हैं और उनको पसंद कर रहे हैं। लेकिन हम तो यही जानना चाहेंगे कि आखिर बेपनाह की जोया या फिर नागिन 3 की बेला आपका फेवरेट कौन है, या यूं कहीं आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, किसकी एक्टिंग आपको बेहद पसंद आ रही है, किसका लुक आपको काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, कौन है सबसे ज्यादा स्टाइलिश और किसकी एक्टिंग से आप उनके दीवाने हो रहे हैं। हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए कि आपको दोनों में से सबसे ज्यादा कौन पसंद आ रहा है। नेक्स्ट नाइन लाइव से हिमांशी की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।